हेलो स्टूडेंट्स, हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही एसीए। हेलो स्टूडेंट्स, हरिराम पटेल सर के द्वारा चलाई जा रही कंपटीशन एकेडमी में एसीए फॉरेस्ट रेंजर की बायोलॉजी क्लास में आपका मैं धर्मेंद्र सर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड। इस टॉपिक से व्यापम, पीएससी, एसीए, रेंजर जितने भी परीक्षाएं हैं, ब्लड से संबंधित जनरल साइंस से क्वेश्चन आता ही है। आप हमेशा देखिए, साइंस से क्वेश्चन अगर आएगा तो ब्लड से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो आरबीसी से हो, डब्ल्यूबीसी से हो, ब्लड प्लेटलेट से हो, रक्त का जमना हो, रक्त समूह हो, चाहे रक्त का आदान प्रदान करने से हो। आपने कई YouTube में और सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि ब्लड से संबंधित कुछ वीडियो, कुछ क्वेश्चन, पर वो सब कॉमन स्टडी मटेरियल है। मैं आपको बहुत डिटेल्स और बहुत अच्छे से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो लाया हूँ, वो सामान्यतः आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलते हैं। और मैंने पिछले 5-10 सालों से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन के पैटर्न किस प्रकार से आते हैं, क्या पूछते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और यहीं के यहीं आज के आज ही याद भी हो जाएगा। मैं ऐसे तकनीक के साथ पढ़ाने जा रहा हूं कि आपको ब्लड की तमाम बातें एकदम स्टार्टिंग से लेकर बहुत डिटेल तक सारी बातें आपको याद भी होगी। साथ में ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको क्वेश्चन बनाते समय कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप बहुत ध्यान से पेन कॉपी लेकर पढ़िए और देखिए कि हम लोग रक्त को, ब्लड को किस प्रकार से पूरा पढ़ते हैं। यही कहीं याद होने का एक नया टेक्निक के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो हमारे शरीर में ब्लड, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड, ब्लड देखेंगे, रक्त। हमारे शरीर का रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का तरल संयोजी ऊतक, संवहनी संयोजी ऊतक, इसको हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। यह शरीर के एक अंगों से दूसरे अंगों तक संवहन करती है और एक अंगों से दूसरे अंगों तक कनेक्ट करती है, इसलिए इसे कहते हैं संयोजी ऊतक। एम्ब्रियो जब बनते रहता है, हमारा शरीर का निर्माण जब भ्रूण अवस्था में होता है, उस समय तीन अवस्था होती है, एक एंडोडर्म, अंतःचर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा है एक्टोडर्म, बाह्य चर्म। तो हमारा रक्त एम्ब्रियो अवस्था में विकास होता है मेजोडर्म से। बहुत ही आईएमपी बात है ये कि रक्त का विकास भ्रूण अवस्था में किस समय होता है, तो भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म के समय हमारा रक्त बनता है। ओरिजिन ऑफ ब्लड इन मेसोडर्म स्टेज इन एम्ब्रियो। अब हम लोग देखेंगे ब्लड जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त को में मुख्यतः उपस्थिति के अनुसार चार भागों में बांटा गया है। हम बांट कर पढ़ेंगे, पहला है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पस, तीसरा है ब्लड प्लेटलेट और चौथा है सीरम। ब्लड में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पस, ब्लड प्लेटलेट और सीरम। तो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं प्लाज्मा से। ब्लड में तरल पदार्थ जो है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ में प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा आप देखोगे कि ये क्षारीय गुण का होता है। प्लाज्मा बेसिक इन नेचर, इसकी पीएच 7.4 होता है। आपको पता है 7 पीएच वाले उदासीन होते हैं, 7 से कम वाले अम्ल होते हैं और 7 से अधिक पीएच जिन भी द्रव का होता है वे क्षारीय होते हैं। तो प्लाज्मा का पीएच 7.4 होता है। कंपोजिशन इन प्लाज्मा, हम प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित रहता है। प्लाज्मा में सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्लाज्मा में 90% वाटर होता है।
प्लाज्मा इंप्रिंट ऑफ वाटर अबाउट 90%, 90% जल होता है और 1% अकार्बनिक लवण होता है, 1% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट अकार्बनिक लवण में कौन कौन से चीज होते हैं? सोडियम क्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और आयोडीन। ये अकार्बनिक लवण प्लाज्मा में उपस्थित होता है। प्लाज्मा में एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ उपस्थित होता है जिसे कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन अबाउट 9% इन प्रेजेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन लगभग 9% उपस्थित होता है। किस प्रकार का प्रोटीन होता है? तो प्लाज्मा में प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये चार प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में ये सभी पदार्थ कोलाइड रूप में उपस्थित होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट एंड प्रोटीन इन प्रेजेंट ऑफ कोलाइड फॉर्म इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये कैसे उपस्थित होते हैं? तो कोलाइड फॉर्म में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा के कार्य, हमारे शरीर में उपस्थित रह के प्लाज्मा क्या कार्य करता है? तो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन एवं भोजन तथा जल का एक अंगों से दूसरे अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, फूड मटेरियल एंड वाटर, और घावों को भरने में सहायक होता है। घाव अगर कहीं चोट लगता है तो घावों को भरने में सहायक होता है। और अगर प्लाज्मा की कमी हो जाए तो घाव हमारा देरी से भरेगा। एक और चीज उपस्थित होता है, वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज उपस्थित होता है। ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा 0.1% होता है। 1 लीटर ब्लड में, 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। और अगर 1 ग्राम से अधिक हो जाता है तब उस अवस्था को मधुमेह कहते हैं। 1 ग्राम पर लीटर ब्लड, 1 ग्राम ग्लूकोज इन प्रेजेंट ऑफ पर लीटर ब्लड। 1 लीटर ब्लड में अगर 1 ग्राम से अधिक हो जाए शुगर तो वह मधुमेह डायबिटिक की स्थिति में होता है। अगला है आपका ब्लड कार्पसल। प्लाज्मा के बाद हमारा आएगा ब्लड कार्पसल, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं किसे कहते हैं? रक्त में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण। हमको लगता है कि रक्त हमारा बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन उसमें बहुत छोटे 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 असंख्य कण पाए जाते हैं जो कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। रक्त इसी के कारण लाल दिखाई देता है। ब्लड कार्पसल्स हमारे शरीर के रक्त में पाए जाते हैं। तो ब्लड कार्पसल्स इज 40-50% पार्ट, यह 40-50% भाग होता है ब्लड कार्पसल। रक्त कणिकाएं कशेरुकों के ही ब्लड में पाया जाता है। ब्लड कार्पसल्स इन प्रेजेंट ऑफ वर्टिब्रल्स, जो कशेरुक जीव होते हैं उनके ही शरीर में ब्लड कार्पसल्स पाए जाते हैं। इन्हें हिमेटोक्राइट कहते हैं। ब्लड कार्पसल्स को क्या कहते हैं? हिमेटोक्राइट कहते हैं। ब्लड कार्पसल्स रक्त की कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। रक्त में उपस्थित छोटे छोटे महीन कण जो हमको साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, उन कणिकाओं को ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। इन्हें इनके 3 प्रकार है। पहला है RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, दूसरा है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे RBC।
कुल ब्लड कॉर्पसल्स का, जितने भी ब्लड कॉर्पसल्स रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ब्लड में है, उनमें से 90% पार्ट ऑफ ब्लड आरबीसी का होता है। आरबीसी 90% होता है, 90% 90% हिस्सा मतलब सर्वाधिक हिस्सा लाल रक्त कण का होता है। लाल रक्त कण में आयरन उपस्थित होता है, आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल कलर दिखाई देता है। हमारा रक्त लाल रंग क्यों दिखता है, तो हमारे रक्त में पाया जाता है आरबीसी, और आरबीसी आयरन युक्त होता है इसलिए वह लाल कलर का दिखाई देता है। आरबीसी की संरचना, आरबीसी किस प्रकार का संरचना का होता है, आरबीसी बाइकॉन्वेक्स उभयोत्तल संरचना का होता है, या कभी कभी एग्जाम में आया है कि स्पेरिकल। अगर उभयोत्तल नहीं दिया है तब स्पेरिकल सही होगा, बाइकॉन्वेक्स उभयोत्तल। उभयोत्तल इसलिए होता है, इस डिजाइन का होता है उभयोत्तल, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन का संवहन कर सके। इसकी संख्या लगभग 54 लाख 54 लाख पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक होता है। एक सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के पात्र में अगर हम ब्लड भरते हैं एक सेंटीमीटर की क्यूबिक घनाकार संरचना में, तब इसकी संख्या 54 लाख होती है। बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है आरबीसी रेड ब्लड सेल ब्लड में, और इसे कहते हैं हीमो। इसको हम एक सेंटीमीटर में जो 54 लाख ब्लड सेल आरबीसी है उसको नापने का, मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो है हीमोसाइटोमीटर। रक्त में आरबीसी की संख्या को किस विधि से नापा जाता है एग्जाम में अगर आएगा, तो हीमोसाइटोमीटर। आपको याद रखना है कि हीमोसाइटोमीटर क्या है, तो हीमोसाइटोमीटर रक्त में आरबीसी हीमोग्लोबिन को नापने का मीटर है ये। इसकी उत्पत्ति भी मेसोडर्म से होता है। जब भ्रूण बनते रहता है उस समय आरबीसी का उत्पत्ति मेसोडर्म से होता है, और जब भ्रूण बन जाता है तब शिशु अवस्था में आरबीसी की उत्पत्ति लीवर से होता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं वयस्क अवस्था में आ जाते हैं हम, तब हमारा आरबीसी अस्थि के बोन मैरो से अस्थि मज्जा अस्थि के बीच में, आप देखें कॉफी कलर का लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो, यहीं से आरबीसी बनता है। आरबीसी फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो बाय लीवर एंड आरबीसी फॉर्मेशन इन एडल्ट बाय बोन मैरो। बोन मैरो में वयस्कों का बनता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी हमारे शरीर में उपस्थित आरबीसी जो है वो 120 दिन बाद मर जाता है, तो ये नष्ट हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 डेज, ये हजारों करोड़ों बार एग्जाम में आ चुका है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन 120 डेज होता है। और यह जो है अंत होते समय स्प्लीन में जाकर शरीर में उपस्थित स्प्लीहा होता है, वहां पर जाके ये नष्ट होता है और वहां से नया आरबीसी बनता है, स्प्लीन में रिसाइकिल होता है। आरबीसी के लिए 2-3 टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं हिमेटोब्लास्ट। हिमेटोब्लास्ट क्या चीज है, तो आरबीसी बनने से पहले वह अपरिपक्व अवस्था में जब रहता है आरबीसी, तब उसे कहा जाता है हिमेटोब्लास्ट। हिमेटोब्लास्ट मतलब अनमैच्योर आरबीसी सेल, अपरिपक्व आरबीसी। और हीमोलिसिस,
हीमोलिसिस क्या होता है, बायो में लिसिस जहां भी आए वहां पर समझना ब्रेकडाउन, तो हीमोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी का टूटना या आरबीसी का किसी कारणों से नष्ट होना। ऐसा कब होता है, अगर हमारे शरीर में वसा के विलायक पदार्थ उपस्थित हो जाए तब, या तो सर्पदंत से सर्प के विष हमारे शरीर में पहुंचता है तो आरबीसी नष्ट होना शुरू हो जाता है। रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स का गठन क्या है एग्जाम में आता है, तो आरबीसी बिना केंद्रक युक्त होता है, आरबीसी एक सिक्के के रूप में एक दूसरे में जमना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे में जमना सिक्के के रूप में प्रारंभ हो जाता है, और ये प्रारंभ सिक्के के रूप में जम के नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रकार की अवस्था को रोलेक्स गठन या रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है, आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग में प्रवाहित करता है। कुल ऑक्सीजन का 70% पार्ट तंत्रिका तंत्र प्रयोग करता है, हमारे शरीर में उपस्थित तंत्रिका तंत्र ऑक्सीजन का सर्वाधिक प्रयोग करता है 70%। आपको पता है हमारे दिमाग को, सिर को ऑक्सीजन का सर्वाधिक आवश्यकता होता है, और हमारा ब्रेन भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ऑक्सीजन का सर्वाधिक उपयोग हमारे शरीर में कौन सा अंग करता है, तो उसका आंसर है नर्वस सिस्टम। आरबीसी से ही संबंधित बात है एक स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन प्लीहा होता है। 120 दिन आरबीसी के जीवन काल होने के बाद स्प्लीन के पास जाके वह रिसाइकल होता है, नष्ट होता है, उस इसलिए आरबीसी को आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन को कहा जाता है, सुसाइड बेड ऑफ आरबीसी कॉल्ड स्प्लीन, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, सुसाइड बेड कहते हैं। यह जो है इम्यूनिटी सिस्टम को, स्प्लीन इम्यूनिटी सिस्टम को रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आरबीसी से ही संबंधित और टर्म्स है एनीमिया, एनीमिया जब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, लेस हीमोग्लोबिन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाए तब हमें रोग होता है जिसे हम कहते हैं एनीमिया, इसे हम ज्वाइंटिस भी कहते हैं, ज्वाइंटिस पीलिया, पीलिया में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की भी कमी हो जाती है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होने के कारण भी हमारा आरबीसी नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था को ज्वाइंटिस या पीलिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया भी क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए, हाइपर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में अधिक हो जाए, उस स्टेज को क्या कहते हैं, तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। रक्त में उपस्थित छोटे छोटे कण को हम ब्लड कॉर्पस कहते हैं, अगर इसे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक अल्प पराश्रयी विलयन जैसे 0.5% नमक के घोल में आरबीसी को, रक्त को रखा जाए तो आरबीसी के कण फट जाएगा, इस अवस्था को कहते हैं हाइपोटोनिक, और अगर हाइपरटोनिक अति पराश्रण अति पराश्रयी विलयन में रक्त को आरबीसी को रख दिया जाए तो आरबीसी सिकुड़ जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रक्त को रखने से क्या होगा और हाइपोटोनिक में क्या होगा। ब्लड कॉर्पस में हमने पढ़ा आरबीसी, अब देखेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी,
WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये भी रक्त में पाए जाने वाले कणिका है, छोटे छोटे सेल है। RBC से थोड़ा सा अलग होता है WBC, इसमें नाभिक उपस्थित होता है। RBC में हमने देखा RBC की सेल में नाभिक एब्सेंट होता है, नाभिक नहीं होता है, और इसमें WBC में नाभिक उपस्थित रहता है। इसकी संरचना अमीबा की तरह होती है, जैसे अमीबा का संरचना हम देखे हैं, अमीबा की संरचना ऐसा असीमित होता है, उसी प्रकार WBC अमीबा के समान संरचना वाला और नाभिक युक्त होता है। इसकी संख्या 6000 से 10000 पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक होता है। RBC का देखे 54 लाख होता है, लेकिन इसका 6000 से 10000 पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक संख्या होता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। WBC का कार्य, WBC व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में उपस्थित रहकर हमें रोगों से लड़ता है। बाह्य जीवाणु विषाणु के अगर हम संपर्क में आते हैं तो उन्हें नष्ट करता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और एक बॉडी गार्ड की तरह कार्य करता है। तो WBC रोगों के प्रति लड़ता है, ये फेगोसिटिक होता है, रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करता है। WBC दो प्रकार का होता है, WBC दो प्रकार का हुआ, ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट। WBC में अगर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जा रही है तो इसे बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट, और अगर WBC की कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण नहीं पाए जा रहे हैं तब इसे कहते हैं एग्रेन्यूलोसाइट। WBC के प्रकार में देखेंगे हम लोग ग्रेन्यूलोसाइट, कोशिका द्रव में कणिका की उपस्थित होना, ऐसे कण को हम लोग कहते हैं बेसोफिल्स, ऐसे कण को हम लोग कहेंगे बेसोफिल्स कहेंगे। ये 3 प्रकार का होता है। WBC में पाए जाने वाले कणिका युक्त संरचना ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये 3 प्रकार का हुआ। पहला हुआ आपका बेसोफिल्स, बेसोफिल्स नाम से स्पष्ट आ रहा है कि ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसोफिल्स जब हम रक्त का अध्ययन करते हैं उस समय बेसोफिल्स नाम का कणिका क्षारीय रंग से रंजित होता है। किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उसको स्टेन किया जाता है, रंगा जाता है, रंगने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो बेसोफिल्स नाम की कणिका छारी रंग से स्टेन होता है, छारी रंग से रंजित होता है। छारी रंग वाला केमिकल कौन है, मेथिलीन ब्लू है। तो मेथिलीन ब्लू से रंजित होने वाला कणिका कौन है, तो बेसोफिल्स है। छारी रंग से रंजित होने वाला, मेथिलीन ब्लू से रंजित होने वाला बेसोफिल्स। टोटल WBC में, कुल WBC में बेसोफिल्स की संख्या 0.5% होता है, 0.5% बेसोफिल्स इन प्रेजेंट ऑफ टोटल WBC। इसका कार्य, बेसोफिल्स का कार्य क्या होता है, मास्ट सेल के द्वारा हमारे शरीर में मास्ट सेल होता है जो कि हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटिन नाम का द्रव्य स्रावित करता है। तो शरीर में हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटिन का संवहन करता है। हिपेरिन शरीर में उपस्थित रहने के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता और शरीर के बाहर आने पर रक्त का थक्का जमता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन के उपस्थिति के कारण नहीं बनता। इस बात को नोट कर लीजिए, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि रक्त में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमता।
अगला है एशनोफिल्स। एशनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले एशनोफिल्स कणिका या एशनोफिल्स कणिका एसिडिक इन नेचर वाले रसायन से स्टेन होता है। इसे किससे रंगा जाता है? एसिडिक इन नेचर अम्लीय केमिकल से, अम्लीय रसायन से ये रंगा जाता है। टोटल डब्ल्यूबीसी का, कुल डब्ल्यूबीसी का 1-3% हिस्सा एशनोफिल्स होता है। एशनोफिल्स अगर शरीर में बढ़ जाए तब एशनोफिलिया नाम का डिसीज होता है। इससे एलर्जी, काली खांसी नाम का रोग होता है। अगला है हमारा न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्युलोसाइट्स प्रकार में हमने देखा बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और अब देख रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। नाम से समझ आ रहा है कि ये न्यूट्रोफिल्स है। डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले न्यूट्रोफिल्स नाम की कणिका जो कि न्यूट्रल केमिकल से स्टेन होता है, न्यूट्रल उदासीन केमिकल से ये स्टेन होता है। कुल डब्ल्यूबीसी का 60% पाया जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स इन प्रेजेंट ऑफ 60% इन टोटल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कण पाया जाता है? बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो आप बोल आंसर होगा हमारा न्यूट्रोफिल्स 60% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स का कार्य ये फेगोसिटिक होता है, ये भक्षित कोशिका की तरह कार्य करता है, शरीर में बाह्य जीवाणुओं से हमें रक्षा करता है, बाह्य जीवाणुओं का भक्षण करता है। डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट के बाद दूसरा हमारा कण क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट, अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। इसमें कणिका केंद्रक जो है, कणिका जो है वो अब्सेंट होता है। कणिका साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में कणिका विहीन सेल पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट, अकणिका युक्त सेल। इसके प्रकार है, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अकणिका युक्त सेल है जो कि डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होता है। इसकी संख्या 28-35% तक होती है। लिम्फोसाइट्स इन प्रेजेंट ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी 28-35%। इसकी साइज 6 माइक्रॉन से 8 माइक्रॉन तक होती है, 6 माइक्रॉन टू 8 माइक्रॉन तक होती है और इसकी संख्या 1500 से 2500 पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक होती है। लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रोटीन की तरह कार्य करता है, एंटीबॉडीज की तरह कार्य करता है, हमें एड्स और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से लड़ता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रोटीन की तरह कार्य करता है, प्रतिरक्षा प्रोटीन की तरह कार्य करता है, ये एंटीबॉडीज होता है और एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के जीवाणुओं से लड़ता है। दूसरा है मोनोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी का कोशिका है मोनोसाइट्स। यह सबसे बड़े आकार का कोशिका होता है, यह सबसे बड़े आकार का कोशिका होता है। 12 माइक्रॉन से 20 माइक्रॉन तक इसकी साइज होती है। मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले वे कोशिका जिसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो आंसर होगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़े आकार का होता है, इसकी साइज 12 माइक्रॉन से 20 माइक्रॉन तक होता है। यह टोटल डब्ल्यूबीसी का 1-3% होता है। मोनोसाइट्स इज 1-3% इन टोटल डब्ल्यूबीसी और इसकी संख्या
200 से 700 पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक का डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कुल संख्या नंबर ऑफ दोनों साइड से 200 to 700 पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक डब्ल्यूबीसी। इसका कार्य भी भक्षी कोशिका होता है कि जीवाणुओं और विषाणुओं से ये लड़ता है, उनका भक्षण करता है। अगला है थ्रम्बोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स कोशिका का तीसरा प्रकार है थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स एक ऐसा कोशिका है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। यह केंद्रक विहीन होता है, यह सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा साइज का होता है, सबसे छोटा। डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा सेल कौन है? मोनोसाइट। सबसे छोटा सेल कौन है? थ्रम्बोसाइट। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है और केंद्रक विहीन होता है। यह जो है स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा, 2 micron से 4 micron तक इसकी साइज होती है। थ्रम्बोसाइट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ थ्रम्बोसाइट 2.5 लाख पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक डब्ल्यूबीसी। कुल संख्या 2.5 लाख होती है, 2.5 लाख पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक। और यह जो है इसका निर्माण, ये कहां से उत्पत्ति होती है? इसकी ओरिजिन उत्पत्ति कहां से होती है? रेड बोन मेरो से होती है। हमारे अस्थियों के बीच में जो अस्थि मज्जा होती है वहां से बनता है थ्रम्बोसाइट्स। जिस प्रकार हमने आरबीसी का असामान्य अवस्था पढ़ा, एनीमिया, ज्वाइंटिस, पॉलीसाइक्लेमिया, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए या कम हो जाए तो भी खतरनाक अवस्था होता है। तो डब्ल्यूबीसी की असामान्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी की असामान्य अवस्था को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस यह जो है डब्ल्यूबीसी का अधिक संख्या, अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी सामान्य संख्या से अधिक हो जाए तब उस अवस्था को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। एक टर्म आता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या है? हमारे शरीर में टोटल डब्ल्यूबीसी का लेवल सामान्य से कम हो जाए तब उस अवस्था को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगला टर्म आता है डब्ल्यूबीसी के बारे में ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है डब्ल्यूबीसी में अगर कैंसर या एचआईवी से हम पीड़ित हो जाए तो उस अवस्था को कहा जाता है ल्यूकेमिया। अब आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। हमने पढ़ा ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद ब्लड का सेल, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में 4 से 5 लाख तक होता है, 4 से 5 लाख पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक। इसकी जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है, 3 से 5 दिन तक। इसकी भी उत्पत्ति हमारे अस्थि के अस्थि मज्जा से होता है। ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसकी कमी से चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर होता है। अब हम लोग देखेंगे पूरा ब्लड के कार्य क्या होता है। ब्लड का कार्य होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने का कार्य करता है, ना तो अधिक ठंडा होने देता है और ना ही अधिक गर्म होने देता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, घावों को भरने का कार्य करता है और रोगों से लड़ता है। हमारे शरीर में गैसीय परिवहन O2 और CO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करता है। तो आप देखे हैं कि आपको ब्लड पूरा का पूरा बहुत डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया है, सारी बातें याद हो गया होगा। अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ रक्त का थक्का
शरीर के बाहर कैसे जमता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड, ब्लड में पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मा, प्लाज्मा में ब्लड कॉर्पस और ब्लड प्लेटलेट और सीरम। ब्लड में पाया जाता है, अब सीरम किसको कहते हैं उसको आपको देखते हैं, सीरम क्या होता है। तो सीरम जो है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में उपस्थित रहता है प्रोटीन, प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित रहता है। अगर हमारे, अगर हमारे शरीर के सीरम में, अगर हमारे ब्लड के सीरम से फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं रहे तब उसे कहा जाता है सीरम। सीरम में प्रोटीन नहीं होता है। सीरम क्या है तो सीरम फाइब्रिनोजन प्रोटीन जिसमें नहीं होता, ऐसे लिक्विड को सीरम कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा प्लाज्मा क्या है, ब्लड कॉर्पल्स क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या है और सीरम क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं सब आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा समझ आके याद हो गया होगा तो बहुत कम समय में आपको पूरी ब्लड से संबंधित बातें जो है वो याद करा दी है। इससे पहले भी मैंने बायोलॉजी की क्लास ली है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, विटामिन और रेस्पिरेशन पढ़ाया है। बहुत कम समय में बहुत अधिक व्यूअर हुए हैं, बहुत लोग लाइक कमेंट्स और शेयर किए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बहुत अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं। तो हरिराम पटेल सर की कॉम्पिटिशन एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही क्लास में आप जुड़े हुए हैं तो थोड़ा देर और देखिए वीडियो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लड का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना बहुत आसानी से आप कैसे सीख सकते हो, पीएससी मेंस की दृष्टि से और पीएससी व्यापम के विज्ञान के दृष्टि से ब्लड का थक्का जमना बहुत ही आईएमपी है। हर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप साइंस को उठा के देखिए, आपको ब्लड का थक्का जमना या ब्लड से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ब्लड का थक्का जमना हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान तरीका से पढ़ेंगे हम लोग कि थोड़ी ही देर में आपको ब्लड का थक्का जमने का प्रोसेस और कौन कौन से चीज उसमें आवश्यक होते हैं ये आपको समझ आ जाएगा। मैंने पिछले साल और पिछले साल का पेपर देखा एसीएफ का फॉरेस्ट रेंजर में, उसमें ब्लड का थक्का जमने से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं कॉमन चीज नहीं बल्कि एकदम फैक्ट चीज बताने वाला हूँ, बहुत गहरी स्टडी मटेरियल लेकर आया हूँ जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना नहीं छूटेगा। मैं कॉमन स्टडी मटेरियल सबके पास होता है तो थोड़ा सा हट के हम लोग बहुत औरों से हमको ज्यादा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, श्योर सिलेक्शन लेना है तो लगातार वीडियो आप देखते रहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने का प्रक्रिया, रक्त का थक्का जमना इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का जमना क्या होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। आप देखे होंगे अगर हमें चोट लगता है, छोटा सा भी शरीर में अगर चोट लगता है तो ब्लड बहने लगता है, और अगर रक्त का थक्का जमने का प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं होता तो सारा का सारा ब्लड बह जाता और मनुष्य की मृत्यु हो जाता। तो रक्त का थक्का जमना शरीर की बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इससे हमारा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड का थक्का कैसे जमता है तो आप देखिए, अगर किसी अंग में, जैसे मान लो यह कोई अंग है, इस अंग से चोट लगता है तो इसे ब्लड बहने लगता है, 3 से 5 मिनट के बीच में यहाँ पर चिपचिपा गाढ़ापन हो जाता है और ब्लड यहाँ पर जम जाता है और ब्लड का बहना यहाँ पर बंद हो जाता है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है ब्लड का थक्का जमना उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आपको यहीं कहीं याद भी करा दूंगा। तो देखिए, हमारे यहाँ पर हमारे शरीर में होता है ब्लड प्लेटलेट्स, अभी मैंने इसीलिए ब्लड को पहले पढ़ा दिया, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लेटलेट्स हमारे रक्त में ब्लड प्लेटलेट्स होता है,
ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेट रक्त जब निकलता है चोट लगे हुए स्थान से ब्लड जब निकलता है तो उसके साथ ब्लड प्लेटलेट्स भी निकलता है और ब्लड प्लेटलेट वायु के संपर्क में आ जाता है, बाहर में वायु के संपर्क में आ जाता है तो ब्लड प्लेटलेट वायु के संपर्क में आएगा। ब्लड प्लेटलेट कहां पर आ जाएगा? वायु के संपर्क में आता है और बन जाता है थ्रोम्बोप्लेट, थ्रोम्बोप्लेटिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लेट बनने के बाद ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो वायु के संपर्क में आ जाता है और वायु के संपर्क में ब्लड प्लेटलेट्स आने के बाद थ्रोम्बोप्लेटिन बना लेता है। रक्त का थक्का जमने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? ब्लड प्लेटलेट। इससे पहले भी मैं अभी बता दिया कि ब्लड प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लेटिन बन जाता है। अब ये जो है थ्रोम्बोप्लेटिन, थ्रोम्बोप्लेटिन बनने के बाद, थ्रोम्बोप्लेटिन बनने के बाद आगे ये क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लेटिन ब्लड में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक निष्क्रिय होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है जो एंजाइम से संपर्क करता है। यह जो है एक एंजाइम से मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एस करके आया तो आप समझ जा रहे हैं ये एंजाइम है। थ्रोम्बोप्लेटिन निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम से मिलता है और बना लेता है थ्रोम्बिन, ये बना लेगा थ्रोम्बिन बना लेगा। फिर जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मिलता है फाइब्रिनोजन से, ब्लड में उपस्थित रहता है तो ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ब्लड में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन प्रोटीन से थ्रोम्बिन मिलता है और यह बना लेता है फाइब्रिन, बना लेता है ये फाइब्रिन। फाइब्रिन एक अघुलनशील अनसॉल्युबल एक जाल होता है, अघुलनशील एक जाल होता है और ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये ना घुलनशील होता है, घुलनशील, लेकिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन घुलनशील थ्रोम्बिन के साथ मिलकर बना देता है फाइब्रिन जो कि अघुलनशील, अघुलनशील फाइब्रिन का एक ऐसा बहुत छोटा छोटा जाल होता है और चोट लगे हुए स्थान पर यह जाल के समान फाइब्रिन, फाइब्रिन मतलब एक जाल के समान है जो कि वाटर अनसॉल्युबल होता है। अब जो है वो फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन ये मिलता है रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल जो लगातार हमारे चोट लगे हुए स्थान से बह रहा था उसमें ये जाल बना हुआ है फाइब्रिन का, फाइब्रिन के जाल में रेड ब्लड सेल फंस जाता है, रेड ब्लड सेल पूरा फंस जाएगा और फाइब्रिन रेड ब्लड सेल के साथ मिलकर अब बन जाता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनने में मात्र चार स्टेप है तो बहुत अच्छे से जल्दी से समझ आ गया आपको। देखिए थोड़े ही समय में ब्लड प्लेटलेट्स को याद रखिए, शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स हमारा रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, चोट लगे हुए स्थान से वायु के संपर्क में आने पर ये थ्रोम्बोप्लेटिन बन जाता है, थ्रोम्बोप्लेटिन प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर और थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम के साथ मिलकर, थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो ब्लड में उपस्थित रहता है
अर्जुनन सिंह फाइब्रिन का जाल बना लेता है और इस जाल पर आरबीसी रेड ब्लड सेल फंसकर रक्त का थक्का जाना बना लेता है। तो रक्त का थक्का जमने का ये प्रक्रिया हुआ। इस पूरे प्रक्रिया में 3 से 5 मिनट तक का समय लगता है। बड़ा चोट है तो थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन कॉमन समय 3 से 5 का समय लगता है। रक्त का थक्का जमने में इंपॉर्टेंट बात आता है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। इससे पहले मैंने विटामिन डी पढ़ाया हुआ है, तो विटामिन के या कभी कभी इसको विटामिन क्यू भी पूछता है, दे देता है एग्जाम में, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होने वाला विटामिन है। विटामिन के बाद रक्त का थक्का तेजी से जमना और रक्त का थक्का किसी के शरीर में नहीं जमना। रक्त का थक्का नहीं जमना, तेजी से जमना, धीरे धीरे जमना, ये एक प्रकार का जिनेटिक बीमारी है। यह जिनेटिक बीमारी होता है। जिनेटिक बीमारी होता है अगर किसी बच्चे के माता पिता नजदीकी ब्लड रिलेटिव है, तो उनसे होने वाले संतान को रक्त का थक्का जमने से संबंधित बीमारी हो सकता है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी के कारण हो सकता है। तो आपको देखें, ब्लड समझ में आ गया, ब्लड का थक्का जमना समझ में आ गया। थोड़ी ही समय में छोटे से वीडियो से आपने बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड में हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और सीरम और रक्त का थक्का जमना। तो ब्लड से संबंधित इतना डिटेल्स आप बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट कर लीजिए, बार बार दोहराइए। मैं समझ रहा हूं कि आपको पूरा समझ आ गया और याद भी हो गया होगा। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से इतने अच्छे टॉपिक को पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड टॉपिक को, आप कभी भी मत छोड़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं ब्लड का लाने वाला हूँ, ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप कैसे बनता है और ब्लड एक्सचेंज पढ़ेंगे, ब्लड एक्सचेंज पढ़ेंगे। साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि माता पिता अगर इस ब्लड ग्रुप के हैं तो उनके आने वाले संतान किस ब्लड ग्रुप के होंगे। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आज इतना ही मैं ब्लड के बारे में बताऊंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से पहले आपको वीडियो हमारा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्लड ग्रुप, ब्लड एक्सचेंज, ब्लड का आदान प्रदान जिसमें सर्वदाता सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप कैसे सीखते हैं, इसको बहुत आसान शॉर्टकट ट्रिक लेके आने वाला हूँ। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम कैसे जान सकते हैं और किस व्यक्ति को कौन से ब्लड दिया जा सकता है, और अगर माता पिता इस ब्लड ग्रुप के हैं तो उनसे होने वाले संतान किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, इसके बारे में बहुत शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ और वो आपको यहीं के यहीं याद भी हो जाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।